जैसा आप देख सकते हो मिस्त्री साहब इसे बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि ट्रैक्टर बिल्कुल नया आया एजेंसी से, मतलब डिपो से। तो अगर कोई भी बोल्ट वगैरह हल्का लूज़ रह जाए, तो अगर कोई मोबिल ऑयल वगैरह कहीं को दिख जाता है हल्का माड़ा, कोई टूट फूट तो होती है, बस हल्का माड़ा बोल्ट का लूज़ हो जाता है, ऐसे लीकेजिंग आ जाती है, तो उसका एजेंसी पर ला करके पूरा सा तसल्लीपूर्वक ठीक करके जब ये आपको ट्रैक्टर दिया जाता है, ठीक में कोई कमी भी नहीं होती। इसमें आप देख सकते हो यहाँ ये ऑयल है, इसमें ये मिस्त्री साहब ऑयल जो होता है मोबिल ऑयल ही होता है या कोई और? मोबिल ऑयल ही है। तो इसका बेनिफिट ट्रैक्टर को क्या होता है ऑयल वाले में, ऑयल वाले ट्रैक्टर में बेनिफिट क्या होता है? बहुत समय सूखा भी तो चलता है ना, स्वराज के सब ऑयल वाले होते हैं, इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलता है कंपनी ट्रैक्टर को। स्वराज में 724 तो है। हाँ सूखा, तो इसका ऑयल वाला ज़्यादा बढ़िया होता है, सूखा ज़्यादा बढ़िया होता है? ऑयल वाला बढ़िया होगा, ऑयल वाला बिल्कुल धूल मट्टी जाने कोई मतलब ही नहीं। तो ये आप इसमें क्या कर रहे हो, इसमें वैसे इसके सर्विस कर रहे हो या देख रहे हो उसे? अच्छा पैकिंग नया डाल के दूंगा आप इसे, अच्छा टाइट कर रहे हो आप इसको, चलो ये भी ठीक है। मैं इसी बात को कह रहा था एजेंसी पर जो आपको मिलेगी है पंजाब मोटर्स के नाम से स्वराज की, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तसल्लीपूर्वक वर्क करके और बहुत ही शानदार तरीके का ट्रैक्टर को तैयार करके दिया जाता है आपको। आपको कभी भी ट्रैक्टर देखने के बाद भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपने गलत जगह से ट्रैक्टर लिया, बहुत ही शानदार काम करते हैं ट्रैक्टर, तो अपना आप में है ही नंबर वन, कोई इसे किसी इंट्रोडक्शन या किसी उसकी तो ज़रूरत है ही नहीं। तो ये हमारे अंकल है और इनका यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम कर। अंकल जी तो ये आप अपना नाम बताइए पहले तो, क्या है? संजय। तो आप यहीं पे काम करते हो? ये सर्विस का काम आपका ही है? हाँ। तो सर्विस में लगभग 1644 में कितने रुपए खर्चा होता है हर सर्विस पे? 3500 लगभग। कितने लीटर मोबिल डलता है उसमें? हाँ 10 लीटर। 9 लीटर। और लगभग क्या कितने घंटे पे इसकी सर्विस होती है ट्रैक्टर की? 250 घंटे। 250 घंटे पे। तो 250 घंटे पे ट्रैक्टर की सर्विस आप देख सकते हो, और 3500 खर्चा बिल्कुल एक कार जैसा समझ लो, छोटी सी कार के जितना खर्चा है, कुल कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है इतने बड़े इंजन के ट्रैक्टर के साथ, और बहुत ही ज़्यादा मजबूत ट्रैक्टर है अपने आप में स्वराज। तो जिस जिस भाई पे स्वराज है वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ट्रैक्टर स्वराज कैसा लगता है, और अगर आप ट्रैक्टर स्वराज लेना चाहते हो तो आपको कौन सा वेरिएंट पसंद है ट्रैक्टर का स्वराज का, और आपने ट्रैक्टर लिया तो आपके कितने परसेंट ट्रैक्टर आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा, और आप कितना पसंद करते हो स्वराज को, या आपको इसके अलावा भी कोई ट्रैक्टर अच्छा लगता है, कौन सा ट्रैक्टर अच्छा लगता है? ये जो 744 XT है, ये 744 XT है, ये 48 horsepower मिलेगा ऑन पेपर, ये 52 horsepower मिलेगा आपको ऑन पेपर, 4 horsepower का अंतर है इसमें, जबकि स्वराज 855 का इंजन है प्योर टोटली, 3300 cc का इंजन आता है इसके अंदर, ठीक है ना, इसमें 3136 cc का इंजन है। और अगर हम बात कर लेते हैं PTO की, तो इसमें लगभग आपको मिल जाती है 44 horsepower की PTO, इसमें मिलती है आपको 42 horsepower की PTO, ठीक है ना, ये अंतर है ट्रैक्टर के अंदर। अगर आपको पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको डिटेल में वीडियो बनाकर दिखा दूँ दोनों की कंपेरिजन वीडियो, तो आपको ट्रैक्टर कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना प्लीज़, और अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। मैं आपको इसका ओवरऑल दिखा देता हूँ ट्रैक्टर का कैसा, ये बिल्कुल अभी ट्रैक्टर चल का आ रहा है, बिल्कुल इसलिए गंदा हो रहा क्योंकि देखो बरसात का मौसम चल रहा, नहीं तो नया ट्रैक्टर है बिल्कुल ये, इसमें डबल डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, इसमें डबल क्लिच नहीं मिलना क्योंकि टॉप मॉडल 5 स्टार नहीं है, सिंगल 4 स्टार में ट्रैक्टर आ जाता है, अगर टॉप मॉडल होता 5 स्टार जैसे उस वो है तो उसमें अब ये आपको डबल क्लिच मिलेगा, लेकिन उसकी कीमत बढ़ जाएगी लगभग, दोनों ट्रैक्टर के अंदर लगभग 50,000 रुपये डिफरेंट है कीमत का हर मॉडल को, ठीक है ना। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।